मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, आपका मुकाम मिले, आपको इज्जत मिले, आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल मिले, नौजवानों को कॉलेज मिले, नौजवानों को नौकरी में उनका हिस्सा मिले, पुलिस का जुल्म का खात्मा हो, तो याद रखो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों ने और खास तौर से जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया, जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, जिस तरह यहां पर हर समाज के लोगों ने जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह से लेकर आज उनके बेटे ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर कुर्मियों ने कई नेताओं को अपने पैदा किया। कितनी ऐसी बिरादरियां हैं, ठाकुर हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी जरूर है मगर उसको अपना ठाकुर नेता मानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव में आने वाले विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है। आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।